आगे वक्ता के रूप में श्री श्याम सुंदर निगम के कमेटी के रूप में और फिर क्या करते तुम जो हम समझते हैं कि यह दायित्व तो पद का ऐसा टिकड़े ही लोगों का है, लेकिन हमारे बीच कोई हमारा मन भी अपनी पत्रकारिता है और जो लेखन से जुड़ा व्यक्ति है कर्म यहाँ सभी कर्मकार जितने लोग बैठे सब कर्मकार सब कर्म के लिए तो एक कर्म की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है जो कर्म से निकलती है। तो मैं श्याम सुंदर से हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे मैं सबको प्रणाम करता हूँ जो आत्मा से अभ्रष्ट है, पहले उनको प्रणाम करता हूँ और बड़ी शर्म के साथ जो कर्म भ्रष्ट अगर यहाँ कोई बैठा है तो उसको भी प्रणाम करता हूँ। अगर कुछ ऐसा है मैं सोचने की बात है न जन्म लेता अगर कहीं मैं धरा बलिए मशाना न मंदिरों में मृदंग बजते न मस्जिदों में अजाना। ये भारत भूषण जी की लाइन है, पाप की कहानी पाप के जमाने भ्रष्टाचार जोड़ लीजिए। हम रामलीला में रावण का ही चरित्र चित्रण करते रहते हैं, आज उन्मूलन में भ्रष्टाचार का ही गाना गा रहे हैं। सदाचार के सुनाई दिया क्या? सुनाई भी नहीं देगा और ये खत्म भी नहीं होगा। ऐसा कोई समय रहा भी नहीं कि जब ये ना रहा हो। क्या बात! और अगर ना रहा होता तो आज इसकी जरूरत क्या पड़ती? ये हमारी बेसिक स्टेप पर नहीं कहे गए, हमारे भाव में अंतस्थ है कहीं ना कहीं ये। मगर वो लोग अब भी गर्व के करने लायक हैं, सम्मान लायक हैं, जो कम से कम इसकी चिंता करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए। मगर अगर महापालिका वाले 10 बार हमको दौड़ाएं, 10 बार स्टैंड में पैसा खर्च करें, 10 बार हम दफ्तर से छुट्टी लेकर जाएं, सबको जोड़ें तो 1000 हुआ, 500 उसको दे करके अपना काम क्यों नहीं निपटा लेना? समय भी बचा, टेंशन भी बचा। तो क्या ये भ्रष्टाचार है? इसको परिभाषित करेगा अगर और क्या ऐसी कोई जगह है जहां ये नहीं है? क्या गरीबी जो हम 70 साल से मिटा रहे हैं उन्मूलन हटाओ बचाओ दिखाओ हट गई क्या? जब हमें 10 रुपए महीने मिलते तब हम गरीब थे, आज हमें 30,000 रुपए पेंशन मिल रही तो भी हम सापेक्ष दृष्टि से गरीब हैं। उनके कंपेरिजन में जिनको क्या क्या नहीं मिलता। बहरहाल प्रवीण जी की स्तुति में पुरुषोत्तम जी हमेशा एक प्रयोग धर्मी कार्य करते हैं। मैं सोच के आया था कि मीडिया वाले आज हमको समझाएंगे, कार्यशाला चलाएंगे कि भ्रष्टाचार कैसे ना करो, या हम उनको बताएंगे कि आप कार्यक्रम खत्म होने के पहले ही शुरू होने के पहले रिपोर्ट लेके चले जाते हैं कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम उनको बताएंगे भैया बैठ जाया करो यहाँ पर, पहले ऐसा होता था आज नहीं है। फर्क बात ज्यादा है, नवयुग लोग हैं, रोटी रोजी का उनका चक्कर है, जब जगह से अगर कवर नहीं लाएंगे तो नाना कहेगा बेटा हमें अखबार बेचना है। और व्यापार होने के बाद तो छोड़ दीजिए, जब माँ की ममता
और प्यार ये व्यापार हो रहा है, तो अगर ये समाज सेवा व्यापार हो रही है तो इसमें आश्चर्य क्या। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, कतई समर्थन नहीं करता हूँ, मगर यदि उस व्यापार में भी ईमानदारी है, जब ये निष्ठा और ईमानदारी की बात कर रहे थे, आपको तमाम सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भ्रष्ट ईमानदार है। ये दुर्लभ प्रजाति है भ्रष्ट ईमानदार लोगों की। आपको पैसा लेके काम कर देते उसको क्या कहेंगे? अच्छा आदमी कहेंगे। और जो पैसा भी ले ले, हजारों बार दौड़ाता भी रहे, होता मतलब सब करता रहे, आपको हर बार मौका बनाता रहे, क्या करेंगे उसे? हम इससे छुट्टी नहीं पा सकते हैं, लड़ सकते हैं। लड़ने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि ये मिसाल जो चलती चली आई है आगे चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे।